सर्दियों में कुछ ऐसे चेंजेस हमें अपने घर में करने पड़ते हैं, जैसे एसी को लेके, गीजर को लेके, अपने फ्रिज को लेके, कबर्ड को लेके और अपने आप को लेके। तो क्यों ना इन कामों का एक लिस्ट बना लिया जाए और इन कामों को रोज रोज ना करके एक ही दिन सारा काम को निपटा लिया जाए, जिससे एक दिन के काम में हम 3 से 4 महीने इजिली आराम कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ठंड के आने से सबसे पहला काम रहता है हमें अपने ऊनी कपड़े, अपने गर्म कपड़े को बाहर निकालना। मैं अपने गर्म कपड़े को बेड के नीचे रखती हूँ। तो मेरे घर में बच्चे हैं तो मैंने आरब के कुछ कपड़े बहुत ही पहले ही निकाल लिए थे, बट अब ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है तो अब हमारे कपड़े और रजाई और ब्लैंकेट वगैरह मैं आज निकाल रही हूँ। तो इन ब्लैंकेट को मैं सीधे जा रही हूँ छत में देने, ताकि इसमें अच्छी तरह से धूप लग सके, जो भी स्मेल वगैरह आ गई है इसमें एक कबर्ड में रखने से वो सारे दूर हो जाए। नेक्स्ट होता है कि ठंडी के दिनों में जूती एंड शूज वगैरह को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ ठंड के दिनों में यूज आने वाले शूज एंड जूती वगैरह को बाहर निकाल लिया है। और इस जूती में आप लोग को टैग भी लगा हुआ दिख रहा होगा, लास्ट ईयर जब विंटर सीजन के सेल चला था तभी मैंने इस जूती को परचेज किया था। साथ ही वेडिंग का सीजन है तो इस तरह के डिजाइनर जूती को भी मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। तो अपने सू रैक में भी ठंड के दिन ये चेंजेस आप जरूर करें। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को हटा देंगे, जैसे ये वाले मेरे स्लीपर एंड सैंडल है, उन्हें मैं रिप्लेस करूंगी अपने शूज एंड जूती से। मेंस एंड बच्चों के सेक्शन में ये चेंजेस करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि वो ऑल टाइम ही शूज एंड स्लीपर में ही रहते हैं। और जो ठंड के दिनों में हम घर में शूज एंड सैंडल पहनते हैं, उन्हें मैंने धो के धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्या होता है कि ठंड के दिनों में हमारे तुलसी पौधे काफी ज्यादा सूख जाते हैं, जल्दी वो खराब हो जाते हैं। तो आपके तुलसी के पौधे हमेशा ही खिले खिले नजर आए, इसके लिए आप उनके जो मंजर होते हैं, ये वाला जो मंजर मैं दिखा रही हूँ, उन्हें आप टाइम टू टाइम तोड़ते रहे। जब आप इन मंजर को टाइम टू टाइम तोड़िएगा तो आपके तुलसी के पौधे हमेशा ही खिले खिले नजर आएंगे। सेम उसी की तरह से ठंड के दिनों में हमारे घर में तुलसी वाला चाय, या घर में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए उनके लिए जब काढ़ा बनता है तो तुलसी का यूज काफी ज्यादा होता है। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ सकते या हमें नहीं तोड़ना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक ग्लास के जार में इस तरह मैं पानी भर के रख लेती हूँ और पानी के ऊपर मैं तुलसी के पौधे को लगा देती हूँ, जिस कारण से ये तुलसी के पौधे 7 से 10 दिन आराम से ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मंजर को भी यूज किया है, क्योंकि कभी कभी काढ़ा में मैं मंजर वगैरह को भी डाल के बनाती हूँ। तो किचन में ये चेंजेस मैं ठंड के दिनों में हमेशा लगाती हूँ। सेम उसी की तरह से विंटर की सीजन में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने के रखती हूँ। ये देखिए, मैंने पुदीना को ग्रो करने के लिए रखा था, सिंपल से जो पुदीना घर पे आया था उसे ही मैंने एक छोटे से गमले में लगा दिया था और ये अब काफी अच्छी तरह से खिलने लगा है। तो अब इस छोटे से पौधे को निकाल के मैं बड़े पॉट में करूंगी। और आप सेम इसी तरह से मैंने धनिया को भी उगाया था, आप देख सकते हैं सिंपल से मिठाई के डब्बे में इसे इसके बीज को लगा दिया था। वेल, मैंने धनिया पत्ती को लगाने के बहुत सारे आइडियाज को ट्राई किया बट उनमें से कोई भी सही नहीं हुआ। तो इस बार मैंने क्या किया कि नर्सरी जाके जो धनिया के बीज होते हैं उन्हें खरीदा था और फिर उगाया था, तब मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। तो मैं अभी पुदीना के पत्तों को बड़े वाले पॉट में डालूंगी और कुछ सूखे पत्ते भी डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से खाद बन जाए। तो साथ ही इसमें मैं गोइठा, या जिसे हम गाय के उपले कहते हैं, वो भी डाल रही हूँ, जिससे मिट्टी की पावर थोड़ी सी बढ़ जाए। और अब मैं इसमें पुदीना के पत्तों को लगा के अपने गार्डन में इसे लगा दूंगी। तो अब जब सारे कामों को मैंने आज लिस्ट किया इस करने का, तो मैं आज अपने गार्डन के एरिया में बहुत सारे प्लांट्स को लगा रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एलोवेरा का प्लांट को लगा रही हूँ, कुछ स्नेक प्लांट को भी मैं लगाऊंगी। तो स्नेक प्लांट को कटिंग से लगाना काफी ज्यादा इजी है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ये चीज। तो इस तरह से सबसे पहले मिट्टी को तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मैं स्नेक प्लांट को लगा रही हूँ। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसी की। एसी अब बंद करने का समय आ चुका है, तो सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लग गए हैं उन्हें मैं हटा रही हूँ ब्रश के हेल्प से। यहाँ मैंने एक पेंट ब्रश लिया है ताकि इसके जो छोटे छोटे वाले जगह हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से साफ कर सकूँ। अब चाहे तो आप यहाँ पर एसी कवर लगा सकते हैं। वेल, मेरे पास किसी भी तरह का एसी कवर नहीं है और ना ही मैंने अभी तक इसे परचेज किया है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक टॉवेल को लिया है और टॉवेल के हेल्प से मैं इसे ढक रही हूँ। तो अब चूंकि 3 से 4 महीने एसी नहीं चलेगा, तो हमारे एसी के लिए अच्छा ये है कि हम इसे ढक के रख दें।
नेक्स्ट, हमारे एसी के जो रिमोट होते हैं उनकी बैटरी को भी निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनके बैटरी को निकाल रही हूँ, दोनों बैटरी को निकालूंगी और एक डब्बे में इसे बंद करके रख दूंगी। यहाँ पर सिंपल से मैंने दही का डब्बा लिया है और इसके ऊपर मैं लिख दूंगी एसी रिमोट। जब 3 से 4 महीने के बाद जब एसी चलाने की ज़रूरत पड़े तब सिंपल से इन बैटरी को इसमें लगा के मैं वापस से इसे यूज़ कर सकूँ। वरना क्या होगा कि अगर मैं इन बैटरी को इधर उधर अभी कहीं भी रख दूंगी तो ये 3 से 4 महीने के बाद पूरी तरह से खो जाएंगे। ठंड के दिन शुरू होते ही हम लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारे एड़ी काफी ज्यादा फटने लगते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हमेशा ही आती है, बट मैं अपने पैरों की देखभाल भी टाइम टू टाइम करना पसंद करती हूँ, चाहे एड़ी फटे या ना फटे। तो पैर की एड़ी ना फटे इसके लिए मैं घर पे एक बहुत पावरफुल क्रीम बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है। तड़का पैन में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेल, और यहाँ मैंने सरसों के तेल का यूज किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मोम, या जिसे हम वैक्स कहते हैं। तो इसे सिंपल से तोड़ के डाल लेंगे। ध्यान देने की बात बस इतनी सी है कि आपको तेल को बिल्कुल जलाना नहीं है, बस तेल हमारा हल्का गुनगुना गर्म हो जाए, वैक्स उसमें पिघल जाए, तब हम अपने गैस को बंद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पर भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर आपको अपने क्रीम को एक सुगंध देने में हेल्प करेगा, और इसके सुगंध से आप इसे बार बार लगाना पसंद करेंगे। अगर आपके पास भीमसेनी कपूर नहीं है तो आप पूजा में यूज होने वाले कपूर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने गैस को बंद कर लिया और कैंडल की जो धागा था मैंने उसे बाहर निकाल लिया है। अब गैस के बंद करने के 2 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे एड़ी और हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, तो इसमें मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन को डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नींबू के रस। नींबू का रस इसलिए डालेंगे क्योंकि वैक्स हमने इसमें डाला है, और जब क्या होगा कि मोमबत्ती ठंड के दिनों में जम जाएगा तो हमें इस क्रीम को निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वैक्स हमारा पूरी तरह से ना जमे इसलिए मैं यहाँ पर नींबू का रस का यूज़ कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद हमारा फूट क्रीम बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसे स्टोर करके हर दिन लगाना पसंद करती हूँ। अब मैंने मार्केट के बहुत सारे फूट क्रीम को यूज़ किया है, किसी का भी रिजल्ट मुझे सेटिस्फाइंग नहीं मिला है। तो आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। इसे लगाने का प्रोसेस भी मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं इस क्रीम को रोज रात को सोने से पहले लगाती हूँ। क्या होता है कि अगर हम इसे दिन में लगाते हैं तो हम फिर चलते फिरते रहते हैं, जिस कारण से ये फुट क्रीम सही असर नहीं कर पाता है। रात में बस इसे लगा के अपने पैरों में मोजे पहन ले, और उसके बाद सुबह सुबह आपको मुलायम पैर बिल्कुल नजर आएंगे। तो इस तरह की चीजें एंड चेंजेस अपने घर पे ठंड के आने से पहले जरूर करें। आपको 3 से 4 महीने किसी भी तरह के और कामों को करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप वर्किंग वुमन है या फैबुलस होम मेकर है तो आपको अगर टाइम नहीं मिलता हो इन कामों के लिए तो आप वीकेंड का दिन चुनके इन कामों को निपटा सकते हैं। तो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।